पठानकोट के पास पड़ते गांव परमानंद में उस समय लोगों का सैलाब उतरा है जब भाजपा नेता सोहन सलारिया की अध्यक्षता में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस विशाल रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्वेत मलिक विशेष तौर पर पहुंचे। उनके अलावा हल्का सजानपुर के विधायक दिनेश सिंह बब्बू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के अलावा स्वर्गीय विनोद खन्ना की धर्मपत्नी कविता खन्ना भी विशेष तौर पर इस रैली में शामिल हुई। भाजपा द्वारा श्वेत मलिक का पहली बार पठानकोट आने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस रैली के साथ ही पूरे पंजाब में भाजपा की ओर से पंजाब सरकार के एक साल के लोखे जोखे को लेकर भी रैलियों का सिलसिला शुरू करने की बात भी श्री श्वेत मलिक के द्वारा की गई। साथ ही उनका कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा लोगों को सहूलतें ना देने, उल्टा उन पर टैक्सों का बोझ डालने की बात भी उन्होंने कही। ये भारतीय जनता पार्टी का कैसे विस्तार हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के स्वागत समारोह पंजाब में रैली का रूप ले रहे हैं, कार्यकर्ता इकट्ठे होकर बॉर्डर पे आ गए हैं युद्ध करने के लिए, जनता को पंजाब की सुरक्षा देने के लिए, जिस जनता को कांग्रेस के पंजे ने झूठे वायदे करके झूठे प्रलोभन देकर गुमराह किया था, आज समय आ गया है कि कांग्रेस के उस पंजे से पंजाब को आजाद करें। तो मैंने आंदोलन छेड़ा है भाजपा कार्यकर्ता की शक्ति के साथ कि पंजाब बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता साथ लेके कांग्रेस को गद्दी छोड़ो। 2019 में दंड मिलेगा, सजा मिलेगी लोगों को पंजाब के धोखा देने के लिए, टैक्स लगाने के लिए। 2019 में भाजपा के कार्यकर्ता की शक्ति से ये कांग्रेसी लुप्त जैसे देश में हो रहे हैं, पंजाब में भी लुप्त होंगे। 13 की 13 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल का जो गठबंधन है जीत कर मोदी जी, अमित शाह जी, जेटली जी केंद्रीय नेतृत्व की झोली में डाले। ऐसा देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देखो ये स्वागत समारोह जहाँ 10,000 से ऊपर की अभी संख्या है जो 20,000 से क्रॉस करेगी, यहाँ से आपको पता लगेगा भारतीय जनता।